एक बार एक कथा मिलती है पुराणों में कि एक जंगल में एक बाबा जी कई साल तक बैठकर घोर तपस्या किए, खूब तपस्या। एक दिन क्या हुआ कि बाबा जी जिस पेड़ के नीचे बैठे ना, उस पेड़ के ऊपर एक चिड़िया बैठती है और चिड़िया ने बाबा जी के ऊपर पोटी कर दी। बाबा जी के ऊपर, संत जी के ऊपर अपना मल गिरा दिया। संत जी को बड़ा गुस्सा आया, अरे मैं तपस्या कर रहा हूं और ये चिड़िया मेरे ऊपर मलमूत्र कर रही है। चिड़िया को देखा बाबा जी ने, साहब संत जी की तपस्या इतनी बढ़िया थी कि चिड़िया को देखते ही चिड़िया जलकर भस्म हो गई। बाबा जी की तपस्या के बल पर चिड़िया जलकर भस्म हो गई। अब बाबा जी को लगा कि हमारी तपस्या तो सफल हो गई, हम जिसे देख देंगे भस्म हो जाएगा। अब संत जी बोले, मेरी तपस्या पूरी हो गई, चले। तो एक पास में गांव था, संत जी को भूख लगी तो एक गृहस्थ के घर में जाकर भिक्षा मांगे, भिक्षाम देही, हे देवी हमें भिक्षा दो। संत जी ने भिक्षा की आवाज लगाई तो वो एक गृहस्थ का घर में घर था, सद गृहस्थ का घर में था। पत्नी अंदर से बोली, महात्मा जी ठहरिए, मैं आपके लिए भिक्षा ला रही हूं। अभी वो भिक्षा लाने ही वाली थी कि अचानक उसके पति आ गए, और पति आए तो उसने पहले पति की सेवा की, पति का स्वागत किया, पति को जल दिया। अब पति को जल देने में, पति का स्वागत करने में, और पति से बोली, मेरे द्वार पर संत आए हैं, आपकी आज्ञा हो तो भिक्षा दे दूं। पति ने कहा, जाओ जल्दी दो। थोड़ा लेट हो गई तो बाबा जी गुस्से से देख रहे हैं, इतना लेट हो गई, कब से तुम्हारे द्वार पर खड़ा है संत। पत्नी ने मुस्कुराकर कहा, महाराज मैं कोई जंगल की चिड़िया नहीं हूं कि तुम्हारे गुस्सा से भस्म हो जाऊंगी। अब बाबा जी चक्कर में पड़ गए, हे भगवान इसे कैसे पता कि मैंने चिड़िया को भस्म किया है। अब बाबा जी चक्कर में पड़े, बाबा जी उस स्त्री के पांव में गिर पड़े, हे देवी आप तो वहां थी नहीं, मेरे सिवा वहां कोई नहीं था, आपको कैसे पता चला। तब उस स्त्री ने कहा, महात्मा जी आपने जो शक्ति जंगल में तपस्या करके पाई है, मैंने उससे ज्यादा शक्ति केवल पति की सेवा करके प्राप्त कर ली है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। भगवान कहते हैं जिसका जो धर्म है वो अपने अपने धर्म का पालन करे। पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना, तुम अपने धर्म का पालन करो, यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा व्रत, यही तुम्हारा जप, यही तुम्हारा तप, यही है सब कुछ। और पुरुष, तुम्हारा धर्म है मां की सेवा करना, पिता की सेवा करना, अतिथि की सेवा करना, पत्नी का सम्मान करना, बच्चों को संस्कार देना, द्वार पर आया अतिथि भूखा ना जाए। पुरुष हो तो अपने धर्म का पालन करो, पत्नी हो अपने। हमारे यहां पत्नियों का धर्म अलग है, पतियों का धर्म अलग है, पुत्र का धर्म अलग है, राजा का धर्म अलग है, प्रजा का धर्म अलग है, शिष्य का धर्म अलग है, गुरु का धर्म अलग है। सब लोग अपने अपने धर्म का ईमानदारी से पालन करें तो सब अपने धर्म का पालन करने मात्र से भगवान को प्राप्त कर लेंगे। दर दर की ठोकर किसी को नहीं खानी पड़ेगी। आज समस्या तो ये है कि कोई अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा है। पत्नियों से कहो कि तुम पतिव्रता बनो, वो बोली, नहीं महाराज कोई और उपाय बताओ जिससे हमारा सब बढ़िया हो। अब पति भूखा प्यासा मर रहा है और पत्नी तीर्थ यात्रा करने चली। यहां तुम्हारी पत्नी इतनी बढ़िया है और तुम अपनी पत्नियों को छोड़ के पड़ोसन को ताकते हो, तो फिर तुम भी पत्नी व्रता नहीं हो। तुम्हारे दुख का कारण है कि तुम अपने धर्म पर स्थिर नहीं हो, स्थित नहीं हो। जो आपका धर्म है आप उस धर्म का पालन करो। पति व्रता नारी ने जब कहा
संत जी से, तब संत जी आगे चले। कुल मिला के इस कहानी से, इस कथा से ये सीखो कि एक ही धर्म है, एक ही धर्म, एक व्रत ने मा काय वचन मम पति पद प्रेमा। स्त्री का एक ही धर्म है, एक ही धर्म, एक व्रत ने मा काय वचन मम पति पद प्रेमा। पति धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत्काल परखिए चारी। पति कैसा हो, वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बहिर क्रोधी अति दीना। ऐसा हूं पति कर किए अपमाना, नारी पाव जम पुर दुख नाना। जो अपने पति का अपमान करती है, जो अपने पति को छोड़कर पराए पुरुष से मन लगाती है, ऐसी स्त्री कल्पों तक नरक में गिरती है, नरक का कष्ट भोगती है। और जो पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर पराई स्त्री में मन लगाता है, वो कई कल्पों तक नरक की यातनाएं भोगता है। दोनों के लिए हिसाब है साहब, हमारे शास्त्र दोनों को। इसलिए राम जी पतिव्रता है, पत्नी व्रता है, और सीता मैया पतिव्रता है। तो आप भी पत्नी और पति में ही मन लगाओ, यहां वहां ताक झांक करने की जरूरत नहीं है। भगवान में मन लगे और अपने धर्म का परित्याग ना हो।